या प्रलय विकराल हो, ऐसा हो दृढ़ संकल्प अपना, जीत अब हर हाल हो। अब अनवरत सी चाल हो, तुम अजर हो, हाँ तुम विजयी, तुम काल जयी हो, आज 17वां दिन है। कई दिनों से हम एक एक असुर का संहार कर रहे हैं। नाम बहुत सुंदर है, असुर संहारिणी। तो असुरों का संहार करने के लिए शिव शक्ति बनना पड़ता है। तो बाबा ने भी इसको फीमेल का रूप दिया है, क्योंकि माताओं को आगे किया है, बहनों को आगे किया है। तो पुराणों में भी, शास्त्रों में भी शिव शक्तियों को दिखाया है असुरों को पैरों तले नीचे रौनते हुए। तो ऐसे एक एक असुर का रोज संहार होता जा रहा है। और जैसे ब्राह्मण सारा विचार सागर मंथन कर रहे हैं ना, उसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, उसके ऊपर बोल रहे हैं, बुद्धि में सारा मंथन चल रहा है। तो मुझे तो लगता है ये सारे असुर भी क्या हो रहे, पावन हो रहे हैं ना। पवित्र आत्माओं के बुद्धि से, बुद्धि में वो घूम रहे हैं, या कहो उनके डिस्कशन में आ रहे हैं। तो उनका भी उद्धार हो रहा है ना, क्योंकि बाबा के बच्चे है ही उद्धार करने वाले। चाहे अन्य आत्माओं का हो ना, चाहे प्रकृति का हो, या चाहे इन असुरों का हो, वो भी हमारे अंदर ही है सारे। जो कहेंगे रावण, रावण का बहु परिवार है ना, कौरव है, 100 कौरव है, या अक्षौणी सेना है कौरव की। तो सब कुछ हमारे अंदर भरा पड़ा है, और इसी एक छोटे से जन्म में हमें सबका संहार करना है। तो बाबा तो रोज मुरलियों में अलग अलग युक्तियां हमें बताते ही रहते हैं। इतनी पालना इतने वर्षों से बाबा कर रहे हैं कि कैसे तुम्हें पवित्र बनना है, संपूर्ण बनना है। लक्ष्य तो हमारा पवित्र बनने का ही है, अंतिम लक्ष्य कर्मातीत बनकर फरिश्ता बनना है। तो फरिश्ता बनने के लिए ये एक एक जो विकारों के वेट है ना, ये वेट को हम खत्म करते जा रहे हैं और हल्के बनते जा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कि ये जो है एक राक्षसी, जिसको कहते पूतना ना, तो
तो इसका वर्णन कृष्ण की बाल लीलाओं में बहुत शुरू में आता है ना, जो पहले सामना करने वाला असुर कृष्ण का, तो वो पूतना है। पूतना जो है इसका अर्थ हम अगर शब्दशः ले तो ये अपवित्र नारी, इसका मीनिंग है, या इसको कहेंगे पुत्र का नाश करने वाली। जैसे पूत माना पुत्र, तो कृष्ण का नाश करने के लिए, जैसे वंश का भी अंश का भी नाश करके फिर देवकी और वसुदेव के वंश का नाश करना चाहता था कंस, तो इसलिए अपनी बहन को भेजा, उसका नाम था पूतना। तो पूतना माना जो जिसके दांत बहुत बाहर आए हुए हैं, बिखरे हुए बाल है, बदबूदार शरीर है ना, ऐसा भयंकर उसका रूप शास्त्रों में दिखाया गया है, विकराल रूप। लेकिन जब भी कुछ कोई राक्षस आता है तो हर बार हम क्या देखते कि बहुत ही मोहित रूप लेकर के वो आता है, बहुत सुंदर रूप लेकर के आता है। जैसे माया भी आती है तो कैसे आती है, बहुत अच्छा रूप लेकर के आती है, और उसमें फिर हम उसे परखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये जो पूतना है, कहते हैं कि कंस की बहन है, कृष्ण को मारने के लिए आई थी, लेकिन फिर ये क्यों आई थी, इसका ये क्या रहस्य है, ये आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये पूतना का जो पिछला जन्म है, तो किस कारण ये पूतना बनी, तो ये जो पूतना थी तो ये पिछले जन्म में बलि राजा की बेटी रत्नमाला थी, जो बलि राजा तीनों लोकों को जिसने जीत लिया था ना, स्वर्ग भी, पृथ्वी लोक और पाताल लोक को जीत कर, फिर वो बहुत अहंकारी हो गया था, उसको लगता था मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। तो फिर यह देखकर सारे देवताएं चिंतित होने लगे और फिर उन्होंने विष्णु को भेजा, जो अवतार कहते हैं वामन अवतार को क्रिएट किया गया ना, जिसे बटू भी कहते हैं, एकदम छोटे से बच्चे के रूप में लुभावना रूप लेकर के वामन बन करके पृथ्वी लोक पर भगवान आए। और आते ही फिर जो यज्ञ चल रहा था, बलि राजा का बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा था, तो उसमें सब दान मांगने आ रहे थे भिक्षुक, तो ये छोटा सा भिक्षुक वामन भी आया और उसने तीन पैर पृथ्वी बलि राजा से मांगी। तो जैसे ही वह वहाँ आया सामने, तो रत्नमाला ने उसे देख लिया और वो उसके उस सुंदर से इनोसेंट रूप के ऊपर बहुत मोहित हो गई और उसको लगा कि मेरा भी ऐसा बच्चा हो तो मैं उसको दूध पिलाऊँ। तो इच्छा यह ही उसने प्रकट की और वहाँ पे तो जैसे बाबा भी कहते हाजिर नाजिर होते हैं तो बाबा वरदान हमें दे देते हैं, तो वहाँ पे भी भगवान हाजिर थे, तो उन्होंने उसके मन की इच्छा को पहचान लिया और तथास्तु कह दिया कि तुम्हारी ये इच्छा पूरी होगी। फिर जैसे ही तीन पैर पृथ्वी मांगी तो वामन ने क्या किया, बलि राजा ने तो अहंकारिता में बड़ी आसानी से तीन पैर पृथ्वी दे दी कि इतना छोटा सा बच्चा है तो कितनी पृथ्वी ले पाए, कितनी जगह ले पाएगा। और फिर जैसे ही दान दे दिया तो फिर बहुत रूप बड़ा हो गया और एक पैर रखा स्वर्ग के ऊपर, दूसरा पैर रखा पृथ्वी के ऊपर और फिर पूछा बलि राजा से कि मैं तीसरा पैर कहाँ रखूँ। फिर तभी तो बलि राजा समझ ही गया कि ये तो कोई साधारण नहीं है, तो भगवान ही आए हैं मेरा गर्व का हरण करने के लिए। तो उसने अपना ताज निकाल लिया और अपना सर नीचे झुकाकर कहा कि मेरे सिर पर रख दो प्रभु, और उस पर उसकी उस निरहंकारिता पर भगवान को भी दया आई और उसे माफ़ कर दिया और उसके पैर के ऊपर, उसके सिर के ऊपर पैर रखा तीसरा और उसको पाताल में भेज दिया और कहा कि तुम अखंड काल के लिए यहाँ पर राज्य करते रहो। तो उसको वो गिफ्ट में दे दिया। तो ये सारा जब चल रहा था तो रत्नमाला को जो पहले तो उस बच्चे के ऊपर प्रेम आया, लेकिन बाद में उसको बहुत क्रोध आया कि इसने मेरे पिता का सब कुछ लूट लिया, तो ये कितना खराब बालक है। तो उसको दूसरी इच्छा आई कि मैं इसको अपना जहर भरा दूध पिलाकर इसको मारूं। तो भगवान वहीं पे थे, तो भगवान तो तथास्तु कह दिया वरदानों की वर्षा ही करते हैं बाबा, तो ऐसे पुराणों में ये कथा आती है। तो फिर ये रत्नमाला फिर अगले जन्म में कंस की बहन बनकर के पूतना बनकर के आई। तो इस जन्म में उसकी दोनों इच्छाएं
भगवान ने पूरे की। तो ये जो पूतना है ये कंस के ऑर्डर अनुसार गोकुल में आई, बहुत सुंदर सा उसका रूप था लुभावना। और मैया के पहले तो उसने बहुत सारे जो छोटे बच्चे हैं, जो अभी अभी पैदा हुए हैं या एक महीने के अंदर पैदा हुए हैं, उन सारे बच्चों को अपना दूध पिलाकर मार दिया, क्योंकि उसको ढूंढना था कि कृष्ण ये अपने भाई का जो शत्रु है वो कहाँ छुपा हुआ है। तो वो ढूंढते ढूंढते यशोदा मैया के पास आई और कहा कि मैया मुझे पता चला है कि तुम्हारे घर में लल्ला हुआ है, तो तुम्हें मैं बधाई देने के लिए आई हूँ। तो यशोदा मैया बड़ी खुश हो गई, तो उसने कहा हाँ लल्ला तो मेरे अकेले का थोड़ी है, वो तो तुम्हारा भी है, पूरे गोकुल का लल्ला है। तो कहा तुम कौन हो, तो बोले मैं उसकी मासी हूँ ना, मासी माना माँ के जैसी, हाँ माँ की बहन, वैसे भी देवकी की वो बहन ही लगती है रिश्ते से, कंस की बहन तो देवकी की बहन, तो वैसे भी मासी के रूप से आई। और फिर यशोदा मैया खुश होकर के अपना जो बच्चा है उसको सौंप दिया उसके, जैसे हम कोई किसी बच्चे को देखने जाते तो क्या करते हैं, हमारे गोदी में दे देते हैं कि इनका भी आशीर्वाद मिले, या फिर कोई गिफ्ट वगैरह देते हैं, तो उसके गोदी में रखकर वो मिठाई लाने के लिए अंदर चली गई। और जैसे ही अंदर गई तो फिर इसने अपना काम शुरू कर दिया कि अभी इसको तो मारना ही है, तो दूध पिलाना शुरू कर दिया। तो ऐसा कहते हैं, अनेक कथाकारों ने बहुत सुंदर वर्णन किया है, जो भगवान की तो हर एक लीला का वर्णन होता है, जैसे ब्रह्मा बाप के हर कर्म का गायन पूजन होता है, ब्राह्मणों के भी हर कर्म का गायन होता है, तो अनेक कथाकारों ने उसका अलग अलग अर्थ निकाला। तो कृष्ण ने क्या किया, आंखें बंद कर दी, उस छोटे से बालक ने आंखें बंद कर ली। तो एक कथाकार कहते हैं कि आंखें क्यों बंद की, क्योंकि जो कोई कड़वी दवाई हम लेते हैं तो क्या करते हैं, आंख बंद कर लेते हैं ना, उसको भी जहर को पचाना था। या छोटे बच्चों को भी हम कुछ कड़वी दवाई पिलाते तो नाक बंद कर देते हैं, फिर वो आंख भी बंद करती रोती रोई वो दवाई को ले लेते हैं, तो वैसे उन्होंने इसके लिए आंखें बंद कर ली। दूसरे कथाकार कहते हैं कि उनको लगा कि ये कौन है, ये तो मेरी माँ बन करके आई है लेकिन ये शत्रु भी है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि माँ भी है और शत्रु भी है। तो जैसे एक कथाकार ने कहा वो तो सोच में पड़ गए कि है तो कौन है, फिर सोचते सोचते उसके पिछले जन्म को देखने लगे, भगवान तो होते ही है त्रिकालदर्शी, तो फिर देख लिया कि इसको तो दो वरदान प्राप्त है और ये मुझे दूध के द्वारा मारने के लिए आई है। फिर तीसरा उसमें से अर्थ निकालते हैं कि भगवान ने आंखें क्यों बंद की, तो आंखें इसलिए बंद की कि अगर मैं इसको देखूंगा तो इसके आंखों में देखूंगा तो मेरा प्रेम इसके ऊपर बरसेगा, और भगवान को जिससे प्रेम हो जाता है फिर उसको तो मारना मुश्किल हो जाएगा, उसका वध करना मुश्किल हो जाएगा। फिर चौथे कथाकार ने कहा कि उसने आंखें बंद करके क्या किया, महादेव का आवाहन किया। महादेव माना क्या, जो विष को पीने वाला है ना, परमात्मा शिव बाबा हमारा बाबा, वही सारे विकारों का विष पीने के लिए आया है, तो उसका आह्वान मन ही मन करने लगे कि ये भोलेनाथ आ जाओ, अभी विष का घूट लेना है तो आपको ही लेना है। तो ऐसे ही फिर जैसे ही दूध पीते पीते क्या हुआ, उसके प्राणों को खींचने लगा, तो जैसे ही खींचने लगा तो वो अपने ओरिजिनल ऐसे भयंकर रूप में प्रकट हो गई, बहुत अकराल विकराल जिसको रूप कहते हैं वैसे बन गई, और फिर चिल्लाने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी कि मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो। तो फिर भगवान ने क्या कहा, मन ही मन उसे कहा कि मैं किसी को पकड़ता नहीं हूँ, और अगर पकड़ता हूँ तो उद्धार किए बिना नहीं छोड़ता हूँ, तो तुम्हारा भी उद्धार मुझे करना है। तो इस कथा का नाम पुतना का उद्धार भी है ना, जो राक्षस कुल में गई थी तो उसे पुराणों में कहते कि कृष्ण ने मोक्ष दिया, बाबा तो कहते मोक्ष मिलता नहीं लेकिन फिर उसको मुक्ति दी। तो फिर वो बहुत चिल्लाते हुए वो एक पक्षी के समान उड़ने लगी आकाश में, और उड़ते उड़ते मथुरा की तरफ जाने लगी और एक जंगल में जाकर के धड़ाम से गिरी, और जब गिरी तो कहते हैं कि 6 कोस के वृक्ष वहाँ पे नष्ट हो गए, इतनी पहाड़ जैसी वो बन गई। और फिर कृष्ण तो हंसते हंसते, सब आवाज हुई तो गोकुल निवासी सब दौड़ते आए, सब डर गए, और फिर कृष्ण वहाँ पे नाचता हुआ हंसता हुआ छोटा सा बच्चा मिला, जो उसकी माँ ने उसको उठा लिया। फिर कहते हैं
शास्त्रों में कि बहुत सुंदर सोने का रथ आया जिसके 100 पहिए थे, जिसमें हीरे जड़े हुए थे, तो ऐसा रथ उस पुतना को लेने के लिए आया, तो उसको भी क्या हो गया, मुक्ति मिल गई, उसका भी उद्धार हो गया। तो ये है हमारी ओरिजिनली पौराणिक कथा। तो ये पुतना है, तो पुतना के अनेक अर्थ हमें पुराण इसमें मिलते हैं, जो अन्य अलग अलग, जैसे ये है उसको पक्षी भी कहा जाता है, पुतना को पक्षी भी कहा जाता है, जो मादा सारस पक्षी होता है, तो उसके दर्शन से कहते हैं कि छोटे बच्चे को उसकी नज़र लग जाती है, इसलिए बच्चों को उससे बचाते हैं। फिर उसको योगिनी भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारा ही प्रतीक है, योगी बच्चों ने ही कुछ पुतना जैसे कार्य किया होगा। फिर उसको ग्रहणी भी कहते हैं, काश्यप संहिता में जो आयुर्वेद का एक शास्त्र है, तो उसमें 3 प्रकार की बीमारियां बताई गई है। एक है आध्यात्मिक बीमारियां, तो जो माना आत्मा से संबंधित या मन बुद्धि से संबंधित जो रोग है उसका चर्चा उसमें की जाती है, कि जो मानसिक रोग है। फिर दूसरी जो दूसरे जो बीमारियां है वो है अधिभौतिक, माना 5 तत्वों के सिर्फ जो बीमारियां आती उसको अधिभौतिक कहा जाता है। और तीसरी जो बीमारी है तो वो है अधिदैविक, ना पहले तो ऐसे बैक्टीरिया वायरसेस के नाम नहीं थे, तो क्या करते थे, ये राक्षसों के ही नाम उस बीमारियों को देते थे, या ग्रहों का कोप है, या देवताओं के श्राप है, देवताओं का कोप है इस तरह से। तो फिर पूतना का उसमें भी उल्लेख हमें मिलता है, जिसको ग्रहिणी कहते हैं, तो ग्रहिणी माना जिसको डायरिया कॉलरा या अमीबियासिस कहते हैं, ऐसी बीमारी है जिसमें छोटे बच्चों को कुछ भी पचता नहीं है, तो उस समय उनको दूध वर्ज किया जाता है, तो इसलिए उसका नाम क्या है, पूतना नाम दिया हुआ है। तो आयुर्वेद में हमें इसके दाखिले मिलते हैं, तो एक ये बीमारी का भी नाम हमें मिलता है। फिर जो हिंदू देवी माता जो है, जिनको मातृका कहते हैं, तो ये मातृका का जो समूह है, ग्रुप है, उसके अंदर भी पूतना का नाम आता है। क्यों आता है, उसको देवी माता में स्थान मिला है, दुष्ट देवी माता उसको कहते हैं, क्योंकि उसने भगवान को अपना दूध तो ऑफर किया ना, पालना की भगवान की, भले कुछ समय के लिए, लेकिन पालना करने के लिए आए, तो उसको भी देवी ने देवियों में स्थान मिल गया, लेकिन दुष्ट देवी। तो ऐसा पुराणों में भी और शास्त्रों में भी उसका हमें पूरा रेफरेंस मिलता है, पूतना। तो यहाँ पर हमने देखा कि पूतना क्या है, तो अब हम देखेंगे पूतना का हमारे आध्यात्मिक रहस्य क्या है ना, हमारा जो ज्ञान के संबंध से इसका कितना बड़ा रहस्य है। तो जैसे देखो, कोई भी घटना ऐसे घटती है ना, पुराणों में है या दुनिया में भी, हमारे सामने किसी की लड़ाई झगड़ा हो गया, या किसी का बहुत मंगल मिलन हो गया, बहुत प्यार से सब मिल रहे, तो हर एक का दृष्टिकोण होता है ना, जिसको हम कोण माना क्या, एंगल, तो हर एक अपने अपने एंगल से देखते हैं उस घटना को, और उसके ऊपर अपना अपना इन्फरेंस निकालते हैं, और अपने अपनी प्रतिक्रिया देते हैं ना, इसलिए कहते हैं प्रतिक्रिया एक जीवन कसौटी ना। घटना तो एक सरी की होती है, लेकिन क्या होता है उसके तरफ देखने का हमारा दृष्टिकोण कैसा है। तो ये पूतना को भी हमने अलग अलग एंगल से देखा, और उसके ऊपर जो चिंतन चला वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो पूतना हम माया का रूप है, वैसे तो हम मोटे रूप से देखें तो 5 विकारों का प्रतीक है, काम विकार का प्रतीक है, विष का प्रतीक है, दैहिक दृष्टि का प्रतीक है, परचिंतन का प्रतीक है, और कृष्ण जो है वो ब्रह्मा बाप और ब्राह्मणों का यादगार है, हाँ अशुभ इच्छा का प्रतीक है, राइट। तो पूतना का रेफरेंस इसमें भी आता है कि पूतना माना एक बीमारी भी है और एक डिजायर भी है, एक खराब इच्छा भी है, जो बहुत भौतिक इच्छाओं का प्रतीक है पूतना, तो ये भी एक रेफरेंस आता है। तो हम ब्राह्मण बच्चे क्या करते हैं, कभी कृष्ण बन जाते हैं तो कभी पूतना भी बन जाते हैं, क्योंकि बैलेंस तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये जैसे युद्ध चालू है, युद्ध का मैदान है, हाँ। तो 3 प्रकार, 3 बातें यहाँ पे मुख्य रूप से आती है कि विष, पूतना और कृष्ण, और चौथी बात ये भी आती है माँ, क्योंकि माँ बनकर के आई है, तो माँ का काम क्या होता है, पालना करना। तो पालना
जैसे एकदम छोटे बच्चे को अपने दूध से पालना करती है, तो दूध क्या होता है, अमृत होता है। माँ का दूध कहते सबसे बड़ा औषधि है, बच्चे के लिए सबसे बड़ा टॉनिक है ना, पूरे जिंदगी भर उसके सारी बीमारियों से रक्षा करने के लिए माँ का दूध पहले 6 महीने में बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर ये बहुत ही अजीबोगरीब बात पुराणों में है कि वही विष बन करके उसका गला घोटने के लिए आई, तो इसके बहुत सारे अर्थ है। बाबा भी हमें कहते कि विचार सागर मंथन करो, और बाबा ने ऐसी दिव्य बुद्धि प्रदान कर दी है तो उसमें से अर्थ निकलते हैं। तो अगर हम देखा जाए तो हम सब कौन है, जगत माताएं है ना, जगत पिता की जो पत्नियां कहो, सजनियां कहो, तो हम सब आत्माएं जगत माता है और कल्प वृक्ष के जड़ों में बैठे हैं, तो पूरे वृक्ष की पालना करने की हम निमित्त आत्माएं हैं। तो जब भी हम योगदान करते हैं, सकाश देते हैं ना, शुभ भावनाएं देते हैं सबको, तो क्या करते हैं, जैसे अपने अमृत से उनकी पालना करते, पूरे विश्व की पालना करते हैं। और जब हम विकारी संकल्प करते हैं ना, जो हम दुर्भावनाएं, काम, क्रोध या 5 विकारों के वश होकर के जो भी हमारी जो भावनाएं होती है वो भी पूरे वृक्ष में पहुंचती है, और उससे क्या हो जाता है, फिर अनेकों का अकल्याण भी हो जाता है ना। कभी कभी हम ऐसे ही साधारण रीति सोच लेते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, खराब भावनाएं ना, कुछ निगेटिव थिंकिंग भी कर लेते हैं, और सच में उसका परिणाम भी हमें दिखाई देता है। तो बाबा कहते इसलिए तुम्हें क्या करना है, इस संगम पर एक एक विचार बहुत सावधानी से करने हैं। जैसे रत्नमाला ने भी भगवान के हाजिर नाजिर होते क्या संकल्प किया, जो भी संकल्प किया तथास्तु हो गया। तो अभी भी बाबा हमारे सामने हाजिर नाजिर है, तो बाबा हमें तथास्तु कहते जा रहे हैं। तो हमें इसका फायदा लेकर के स्व का भी कल्याण करना है, विश्व का कल्याण करना है, अपने संबंध संपर्क में आने वाले सबका कल्याण करना है। इसलिए हम जहाँ भी कदम रखें तो वहाँ क्या हो, वहाँ पे सुख शांति सबको मिले, दुख का नाश हो, तो ऐसे कृष्ण समान हमें बनना है। तो पूतना माना अपवित्रता का प्रतीक है ना, विकारों का प्रतीक है, विष का प्रतीक है। तो इसमें विष दिया गया, विष भी बहुत अनेक प्रकार के विष हैं। तो जैसे पहले तो बाबा कहते अभी ये मैं ऑर्डिनेंस निकालता हूँ आते ही, क्या कि विष पीना और पिलाना बंद करो। कितना बड़ा रिवॉल्यूशन आया जब बाबा धरती पर आए, तो एकदम से लोगों को ना पचने वाली बात थी कि गृहस्थ में रहकर पवित्र रहो ना, सबको बता दिया पवित्र रहो। और ब्रह्मा बाप ने भी निर्भय हो करके, आज हम कोर्स करते तो ऐसे कड़वी दवाई थोड़ा धीरे धीरे पिलाते, बहने कहते डायरेक्टली मत बताओ ब्रह्मचर्य का, उनको बताओ ये बहनों के लिए कंपलसरी है, आपके लिए नहीं। लेकिन फिर बाबा ने उस समय ऐसे जमाने में डायरेक्टली कह दिया कि आपको पवित्र रहना है और पवित्र जीवन जीना है, तभी आपका उद्धार होगा। तो ये विष जो है ये काम विकार है, बहुत भयंकर, जो बाबा कहते सारे तुम्हारे उसमें सारी संपत्ति चली गई, सब कुछ चला गया, राज्य भाग्य चला गया काम चिता पर बैठने से। तो बाबा आकर के हमें अभी ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। तो ये काम विकार जिसको पूतना जो है वो इच्छा का भी प्रतीक है, कामना का भी प्रतीक है। तो अभी तो हम तो सारे ब्रह्मचारी बन गए, लेकिन ये अपवित्रता बहुत सूक्ष्म है, अनेक नफरत, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, ये अनेक प्रकार से बदले की भावना हमारे अंदर, जो ज्ञान में आते ही बाबा कहते बाद में क्या हो जाता है, धीरे धीरे लोहे की जंजीरें तो आते ही फटाक से टूट जाती है, लेकिन सोने की जंजीर तोड़ने में बहुत मेहनत होती है, क्योंकि महीन होती है, हम भी उसे देख नहीं पाते हैं। अच्छी लगती है, मायावी लगती है, मतलब वो बहुत सुंदर लुभावनी लगती है। तो जैसे कोई ज्ञान में आते हैं नए नए बच्चे, अभी शिवरात्रि पर मेला हुआ, हमने प्रदर्शनी सुनाई सबने, बच्चे आए नए नए, जैसे फूल बाबा कहते नए नए पत्ते जो कौले कौले आते हैं, फिर उनको ज्ञान दे करके हम उनको अमृत पिलाते हैं ना, उनका उद्धार करते हैं, तो वो उनको वो तो उस मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं। फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगते, जैसे बाबा भी कहते नए नए बच्चों को बाबा भी प्यार करते, दीदियाँ भी प्यार करती है, सभी आगे बढ़ाते हैं, तो लास्ट से फास्ट उनको कहा जाता है। और फिर जो ज्ञान देने वाले हैं उनको भी उनसे ईर्ष्या होने लगती है कि अरे ये तो हमसे भी आगे जा रहे हैं, फिर उनको
दुर्भावनाएं देना शुरू कर देते हैं ना, उनसे उनको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, तो ये भी क्या हो जाता है, एक प्रकार से विष पिलाना हो जाता है ना। पहले तो अमृत पिलाया, ज्ञान देकर सुरजित किया, फिर बाद में ईर्ष्या द्वेष इसका विष पिलाना चालू कर देते हैं, टांग खींचते हैं पीछे। तो इससे क्या हो जाता है, स्वयं का भी पुरुषार्थ खत्म हो जाता है और उसका आत्मा के रास्ते में भी बाधा बन करके कार्मिक अकाउंट अपना बनाने लग जाते हैं। जैसे अनेक बच्चे जो गोकुल में थे तो वो क्या हो गए, मर गए, मतलब उसके दूध से मर गए। तो ऐसे अगर कृष्ण जैसी पावरफुल आत्मा नहीं है तो फिर क्या हो जाती है, वो आत्मा खुद को भी खत्म कर देती है और विकारों का नाश नहीं कर पाती, बुराई का नाश नहीं कर पाती। तो इस तरह से ये एक विषय। फिर अगला विषय पर चिंतन का ना, कई बार हम क्या करते हैं, बहुत सहजता से कोई बहुत अच्छा व्यक्ति है तो उसके बारे में ऐसे ही कुछ शब्द बोल देते हैं, जिसको लूज कमेंट्स कहते हैं ना, किसी की कोई बहुत महिमा कर रहा है कि बहुत अच्छे है बहुत अच्छे, फिर ऐसी कुछ बात बोल देते है ना, बहुत खराब शब्द, तो सामने वाले का भी हृदय क्या हो जाता है उसमें, हाँ दूषित हो जाता है कि अरे हाँ ये व्यक्ति तो इतना अच्छा मुझे लग रहा था, लेकिन ये कमी कुछ बता देते हैं तो कमी के कारण जैसे उसके हृदय में भी विष घोल देते हैं ना। तो हमें क्या करना है, विशेषताएं देखनी है इसके लिए। तो जो एक कहानी सुनाते हैं कि सास बहू की कहानी है, एक बहू थी तो उसको शादी हो गई, पति के घर आ गई, तो पति तो अच्छा था लेकिन सास बहुत खराब थी। तो वो क्या करती थी, उसको बहुत भला भला बुरा बोलती रहती थी, दिन भर टोकती रहती थी, उसको गालियां देना, अपमान करना, टोकना, ये चालू रहता था, वो परेशान हो जाती है। तो कुछ ही महीनों में क्या करती है, मैके में आ जाती है और पिताजी को कहती है कि मुझे वैद्य के पास जाना है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो पिताजी लेकर के जाते हैं, तो वैद्य जो होते हैं उसके पिता के मित्र होते हैं, तो उनको तो सद्भावना होती है कि बच्ची का संसार अच्छी रीति से चले। तो वो कहती, मेरी सास बहुत खराब है, तो आप मुझे कुछ ऐसी दवाई दे दो जो मैं उसको उसमें उसको मार कर उसको मार दूं, मैं खाने में मिलाकर, तो मेरी झंझटी खत्म हो जाएगी और मेरा जीवन सुखमय हो जाएगा। तो फिर वैद्य जी तो बड़े अच्छे व्यक्ति होते, वो बोलते ये तो गलत बात है। फिर वो कहते, हाँ अगर तुम एक दिन में ही उसको विष दे दोगी तो क्या हो जाएगा, वो तुम पर संशय आ जाएगा सबको, तो इसलिए हम मैं ऐसी दवाई देता हूँ जो रोज थोड़े थोड़े उसके खाने में मिलाते जाओ और उसको स्लो पॉइजन, धीरे धीरे वो कुछ महीनों में मर जाएगी। तो ये बड़ी खुश हो जाती, लेकिन बोले इसके लिए एक परहेज है। बोले क्या परहेज है, बोले उसके लिए तुमको उसकी हमेशा महिमा करनी पड़ेगी, उसकी विशेषताओं के गुणगान करने पड़ेंगे, तो ये जहर अच्छा काम करेंगे, उसको खुश रखना पड़ेगा, किसी भी तरह से वो नाराज ना हो, तो ये दवाई अच्छा काम करेगी, डाउट भी नहीं आएगा, हाँ तुम्हारा रिलेशन भी अच्छा हो जाएगा, आजू बाजू वाले भी कहेंगे कि बहुत प्यार था। तो फिर वो वैसा ही बड़ी खुश होकर के चली जाती है और थोड़ा थोड़ा देना शुरू करती है वो जो भस्म दिया हुआ था, और देते देते फिर वो उसकी महिमा भी गाती है। सास को तो थोड़ा अटपटा लगता है कि ये तो मेरे से बहुत नफरत करती थी, इसको क्या हो गया। फिर उसके भी मन में परिवर्तन आता है, बाबा कहते हैं ना जैसे शुभ भावना शुभ कामना से आगे की व्यक्ति का भी मन परिवर्तन हो जाता है, तो वो भी उसको प्यार करने लगती है, वो भी उसकी महिमा करने लगती है, दोनों की बहुत जमती है, आजू बाजू वाले भी बहुत आश्चर्य करते हैं, अरे क्या इसके इनके घर में जादू हो गया, बहुत अच्छा चल रहा है। फिर हो जाता है एक टाइम पीरियड पूरा, तो उसको तो अभी लगता है ये तो बड़ी अच्छी है, इसने तो मरना नहीं चाहिए ये बड़ी सहयोगी है। छः महीने के पहले 3 महीने में भाग भाग कर मैके चली जाती है कुछ कारण बताकर, और कहती है कि वैद्य जी प्लीज इसके ऊपर कुछ एंटीडोट हो तो वो देना अभी मैंने तो इतना भस्म उसको पिला दिया, इसको दे दिया, अभी मुझे चाहिए कि वो नहीं मरे, तो मैं कैसे भी करके इसके ऊपर कुछ एंटीडोट दो तो वो उसका असर खत्म हो जाए। तो वैद्य जी मुस्कुराने लगते हैं, कहते हैं नहीं मैंने तो एक सादा भस्म दे दिया था, उसमें कुछ भी नहीं था, न्यूट्रल था, तो ये तो तुम्हारे संबंधों में जो कटुता आई थी तो उसको सुधारने के लिए युक्ति मुझे ये करनी पड़ी। तो ये तो हो गई पुराने जमाने की बात की, कितने सुंदर माता पिता कहो या जो भी बड़े होते थे, तो बड़े मना उनको रहता था कि सब कुछ अच्छा चले,
ना बच्ची को भी कहते हैं, कहते थे ससुराल जाते समय कि अभी जा रही है डोली में और वापस कैसे आना, अर्थी में ही आना, ना माँ बाप के घर वापस लौट के नहीं आना, ऐसे संस्कार दे करके भेजते थे। फिर वो सहन शक्ति भी आ जाती थी, फिर धीरे धीरे तो थोड़ी शुरू में सहन करना पड़ता है, बाद में तो सब नॉर्मलाइज हो जाता है। तो ऐसे संसार बहुत अच्छे से चलते थे। और आज की माएँ भी क्या हो गई है, हाँ पूतना के समान हो गई है। अच्छे संस्कारों का जिनको अमृत पिलाना चाहिए बच्चियों को, तो क्या होता है वो फिर विष पिलाना शुरू करते हैं। आजकल एक या दो बच्चे होते हैं, कई बार शहरों में तो एक ही बच्ची होती है, बड़े लाड़ प्यार से उसको बढ़ाते हैं। और फिर ससुराल जब जाती है तो आजकल तो फ़ोन है, व्हाट्सअप है ना, तो क्या करते हैं दिन में 2-4 बार माँ से बात करते हैं फ़ोन पर, कम से कम एक बार तो करेंगे। जो कुछ हुआ यहाँ पर तो क्या करते हैं उसको पूरा समाचार बताते हैं। फिर माँ तो वहाँ खाली बैठी है, उसका ध्यान रहता है कि मेरी बेटी को कुछ भी तकलीफ ना हो, भले यहाँ पे इतनी सुखी नहीं होती है, लेकिन उसको लगता है ससुराल में उसको कोई कुछ ना कहे ना, उसको राजकुमारी के जैसे रखे। फिर वो उसको उसके जीवन में जहर खोलती है, उसने ऐसे कैसे कहा, वैसे क्यों कहा, क्या कहते हैं उसको विस्तार करती है। फिर ये धीरे 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 राई का पहाड़ बना देती है। और वो और देखते हैं, अभी तो हम नासिक में रहते, वहाँ पे तो एक घर छोड़ के एक लड़कियाँ घर पे आई हुई है, हाँ बड़ी पढ़ी लिखी इंजीनियर डॉक्टर बड़े बड़े अच्छे वेल एजुकेटेड, लेकिन क्या हो जाता है फिर ऐसे ये सहन करने की जो शक्ति नहीं होती है तो क्या हो जाता है, आ जाते हैं डाइवोर्सेस हो जाते हैं, सुसाइड्स हो जाते हैं। तो ये भी क्या है, आज की माएँ क्या कर रही है, पूतना का काम कर रही है। हाँ गांव में एजुकेशन से क्या हो जाता है, थोड़ा व्यक्ति को अहंकार भी आ जाता है, पैसे का भी अहंकार। और एक दो ही बच्चे होते तो माँ बाप क्या कहते हैं, हमारा बहुत कुछ है, कुछ भी हुआ तो आ जाना वापस, यहाँ पे सब कुछ है तुम्हारे लिए। लेकिन फिर वो ये नहीं सोचते कि इसके कारण दो फैमिलीज कितनी दुखी हो जाती है, दोनों के परिवारों की सुख शांति नष्ट हो जाती है। तो ऐसे इसमें हम एक देखते हैं तो ये भी एक प्रकार का विष ही है, परचिंतन है। फिर हम आते हैं जो सूक्ष्म विष हम देख रहे हैं, जैसे ज्ञान से हम किसी की पालना करते हैं ना, ज्ञान देते हैं तो हर एक चीज़ का क्या होता है, डोज होता है ना। जैसे डॉक्टर कहते हैं दिन में 3 बार गोली लो, या कोई एक 24 आवर्स का उसका इफेक्ट होता है, एक ही गोली लो, लेकिन अगर वही गोली आप 4-5-6 ले लो तो क्या हो जाएगा, हाँ ओवरडोज हो जाएगा। ओवरडोज से फिर वो क्या हो जाएगा, दवाई वो अमृत बनने के बजाय क्या हो जाएगी, विष हो जाएगी ना। जैसे नींद की गोली है, आजकल बहुत लोग लेते हैं तो बड़े शांति से सो जाते हैं, समेरे फ्रेश लगता है, लेकिन वही अगर ज्यादा ले ले तो क्या हो जाता है, मौत, सदा के लिए ओम शांति हो करके सो जाते हैं। तो ऐसे हमारे ज्ञान में भी होता है ना, ज्ञान तो अमृत ही है, लेकिन अगर हम उसको अगर पात्र देख करके ज्ञान दान नहीं करते हैं ज्ञान का, तो क्या हो जाता है, वो भी ओवरडोज बन जाते, क्योंकि सामने वाले आत्मा की वो कैपेसिटी नहीं है और हम उसको देते जा रहे, परोसते जा रहे, परोसते जा रहे, और उसको वो हजम ही नहीं हो रहा है। तो एक बार की बात हमें याद आती है इसके इससे कि 2016 में शायद हम ज्ञान सरोवर में डॉक्टर कॉन्फ्रेंस में आए थे, हर बार ही हर साल ही डॉक्टर्स आते रहते थे, तो 4 डॉक्टर्स लेडी डॉक्टर्स मेरे साथ थे ज्ञान सरोवर में, तो बहुत सुंदर कॉन्फ्रेंस था, शिवानी दीदी भी आए हुए थे। तो डॉक्टर्स लोगों के लिए तो सब बहुत महिमा करते, ब्राह्मण भी की उनको कोई खरीदारी का कुछ नहीं होता है, वो बहुत अभ्यासी होते, पढ़ाकू होते, उनको बस लेक्चर्स लेक्चर्स लेक्चर्स। और ज्ञान सरोवर ऐसे भी है ये एकदम शांत, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो उसमें से दो जो बहनें थी डॉक्टर्स, तो उनको ज्ञान का बड़ा शौक था, वो बहुत ऐसे पढ़ाकू थे, उनको वो बस हर एक लेक्चर सुनना, एक भी मिस नहीं करना है। और दो जो थी उनको हम शायद परख नहीं पाए, उनको था ज्ञान के बारे में पिपासा, लेकिन थोड़ी कम जिसको कहेंगे। तो फिर वो ज्ञान लेते लेते जैसे उनको थोड़ा, वो दो बहनों में से भी एक बहन को थोड़ा इंडाइजेशन होने लगा, और उसमें एक हो गया कि जो भी भाई बहनें मिलते थे अपने ज्ञानी, तो वो ज्ञान सुनाना आरंभ कर देते थे। कहाँ पे भी स्टेप्स पे मिल गए, बहन जी आपको पता है आप आत्मा हो और आपको शिव बाबा को याद करना है, परमात्मा आए हुए है। तो उसको होते 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 पता नहीं अंदर ही अंदर उसको जो ओवरडोज होता गया, और वो फिर उसको भी थोड़ा सा वो दुखी हो गए। फिर कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद हम शांतिवन में गए, तो शांतिवन में मुझे लगा कि इनको बड़ों बड़ों से मिलाते हैं,
वो भी कुछ उनको ज्ञान देंगे या अनुभव संपन्न बनाएंगे। लेकिन उसको लगा कि और भी कोई बताएंगे ज्ञान, तो वो तो बाहर दो जन गायब ही हो गए। वो श्यामना खरीदारी को चले गए वो, और मेरा फोन भी नहीं उठा रहे, कुछ भी नहीं। तो मैं तो उनको फोन करती है जा रही, 4-5 बार फोन किया, फिर मैंने कहा जाने दो। फिर किसी ने बताया वो शॉपिंग करे, तो वो जैसे अपना वो ज्ञान का जो उनका अंदर इकट्ठा हो गया तो उसको थोड़ा न्यूट्रलाइज कर रहे थे। फिर बाद में हम चले गए वापस, तो फिर दूसरे तीसरे दिन ही वो अपने पति को लेकर के हमारे हॉस्पिटल में आ गए डॉक्टर साहब के पास, कि उसको चेस्ट पेन हो रहा था, ब्रेथलेसनेस हो रहा था, मतलब जैसे हम कहते दृष्टिकोण। तो उसने ऐसे दृष्टिकोण से देखा कि इतना ज्ञान और ऐसे इतने कुमार कैसे रह सकते, उसको हजम ही नहीं हो रहा था कि कैसे संसारिक इच्छाएं छोड़ करके पूरा लाइफ इतने पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड बिना पैसे का इतना सेवा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, उसको वो हजम ही नहीं हो रहा था। तो फिर वो जैसे बीमार जैसे क्या हो गया, फिर ये ओवरडोज जिसको हम कहते, तो इसलिए बाबा भी क्या कहते, परखने की शक्ति। और आजकल तो हम देखते हैं आत्माओं की इतनी कैपेसिटी नहीं है, जो भी आते बड़े शहरों में तो कहते डायरेक्टली हमको मेडिटेशन सिखा, हमको ये आत्मा परमात्मा कुछ ज्ञान नहीं चाहिए, बस हमको डायरेक्टली प्रैक्टिकली सुनाओ हमको करना है। क्योंकि मेडिटेशन ये क्या आजकल फैंसी वर्ड हो गया, स्कूलों में भी छोटे छोटे बच्चों को मेडिटेशन सिखाते हैं। तो ये ऐसे अनेक प्रकार के विष है। फिर स्थूल विष में हम देखेंगे तो जैसे कलयुग का वर्णन है कि हर चीज में विष खुल जाएगा, तो वैसी स्थिति आज आ गई है ना, जैसे हर धन धान्य फल फूल सब्जियां सब में पेस्टिसाइड से और वो हमारे सब शरीर के अंदर जा रहे हैं। और दूध जो है, दूध तो बहुत बड़ा सोर्स है ना, दूध के ऊपर तो 1-2 घंटे तक बोला जा सकता है, इतना महाभयंकर वो विष हो गया है, जिसको हम बड़े प्यार से लेते हैं, पीते हैं, बच्चों को भी पिलाते हैं। लेकिन जो दूध की मांग है ना, इस एक जो डेयरी होती है उसमें जो दूध इकट्ठा होता है उसके दुगना वो सेल होता है। तो ये एक्स्ट्रा दूध आया कहाँ से, तो ये आर्टिफिशियल दूध भी बनाते हैं ना, कुछ केमिकल से वो बेचते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं हम कर सकते ना। और कहते हैं कि उससे हर कोई चीज बनती है जो दूध से बनती है ना, मावा कहो पनीर कहो दही कहो सब कुछ बनता है, इतना भयंकर। और वो इंजेक्शंस देते हैं, जो गाय भैंस से 10 लीटर दूध दे सकती वो 20-20 लीटर दूध देने के लिए लोभवश वो पिटोसिन ऑक्सीटोसिन ऐसे हॉर्मोन्स के इंजेक्शन उनको देते हैं। फिर वो जो चारा खाते हैं, हम बोलते थे किसी को नहीं, हम अपनी गाय को रखेंगे अपने खेत में रखेंगे, उसका दूध हम पियेंगे, उसको कोई इंजेक्शन नहीं देंगे। लेकिन फिर किसी ने कहा कि जो चारा आप खिलाते हैं उसके अंदर कितना पेस्टिसाइड्स होते, क्योंकि आज से 5-10% जो खेती है वो सेंद्रीय ऑर्गेनिक होती है और बाकी 95% में बहुत सारा पेस्टिसाइड्स का यूज होता है। तो वही चारा वो गाय खाएगी तो दूध में भी वही उतरता है, और उसी के कारण फिर क्या हो जाता है, अनेक बीमारियां हो रही, कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां हो रही माताओं में, खास ब्रेस्ट कैंसर। अभी हमने करीब से नासिक में हमारे मालेगांव में 3 बहनों का करीब से हमने इलाज भी किया, और मैंने हॉस्पिटल में कीमो भी दिया, ऑपरेशन भी सामने हो करके देखा, और उनका पूरा वो 6 महीने का हमने जर्नी देखा रेडिएशन कीमो। तो उसमें से एक बहन जो थी सबसे कम उम्र वाली जिसको कैंसर हुआ, शायद उनकी 45 एज होगी, तो उनको दूध पीने का बहुत शौक था ना, गिलास गिलास भर कर, ब्रह्म कुमारी बहन माना समर्पित बहन अपनी, बहुत दूध पीने का शौक था। तो ये भी जो केमिकल्स है तो ये दूध से हमारे अंदर जा रहे हैं, और उससे कैंसर हार्ट डिसीज ना हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो रहे बहनों में खास करके ना हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे, फिर भाइयों में भी प्रोस्टेट कैंसर जैसी बीमारियां हो रही, और आज जो डायबिटीज है वो भी उसके लिए भी दूध को दोषी माना जाता है। जो नेचुरोपैथी से फिर इलाज करते हैं तो क्या करते, पहले उनका दूध बंद करते हैं। और जो अभी टाइप 1 डायबिटीज जो छोटे बच्चों में पाया जाता है तो बहुत कम उम्र में वो होता है, तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं कि उसमें इंसुलिन की वो जो तैयारी नहीं होता है, इंसुलिन उनके शरीर में तैयारी नहीं होता, तो उनको इंजेक्शन देना पड़ता है। तो जब छोटेपन में उनको ये गाय भैंसों का दो हार्मोन युक्त दूध पिलाया जाता है तो उससे उनके जो इंसुलिन तैयार करने वाली जो पेशियां है वो नष्ट होती है, और उसके कारण फिर वो बहुत जल्दी डायबिटीज के शिकार बन जाते। तो ये अभी माना डॉक्टर कॉन्फ्रेंस में भी बताया जा रहा है कि दूध हाँ उसमें जो प्रोटीन होता है तो प्रोटीन से भी किसी किसी को अस्थमा जैसी बीमारी होती है, मतलब सांस लेने में दिक्कत, फिर लैक्टोज इंटॉलरेंस, कुछ कुछ बच्चों में वो पचा नहीं सकते, उसमें जो
लैक्टोज होता है दूध के अंदर, वो पचा नहीं सकते, फिर भी माए क्या करती है, अरे दूध पूर्ण अन्न है, दूध अच्छा है, उसको उनको पिलाती रहती, फिर उनको हॉर्लिक्स बोर्नविटा उसके साथ पिलाते रहते हैं। तो ये माना दूध भी एक क्या बन गया आजकल, स्थूल रूप से भी विष ही बन गया। तो ये स्लो पॉइजन हाँ, जो अलग अलग बीमारियां है तो वो हो रहे हैं। ओके, ग्रास फीड, मैंने ग्रास फिलाई करके ही जेब निकाला है, बाकी कुछ नहीं। वो मैंने जैसे आजकल हर चीज के ऊपर इंग्रेडिएंट लिखना ये हो गया, जरूरी हो गया। अभी वो गिर गाय का भी निकला है शहरों में ना, वो भी 120 रुपए लीटर ऐसे मिलता है बहुत। वो उसको गोल्ड कहते हैं, मैंने उसमें बहुत पोषक तत्व है ऐसे कहते हैं गिर गाय का। अभी वो पता नहीं वो क्या करते हैं, लेकिन बेचते तो है हाँ तो क्या कहाँ कहाँ देखने जाएंगे, अभी वो क्या कर रहे हैं उसके अंदर तो वो तो नहीं देख सकते। तो ये हो गया हाँ पूतना। तो फिर पूतना भी हम बनते हैं जो माना दूसरों को अपने हृदय का जो विष है वो दूसरों के हृदय में घोलते हैं, दूसरों को पिलाते हैं, दूसरों को माना उनके मन में विष घोलते हैं। तो ये हो गया विष के बारे में। फिर हम देखेंगे आगे चल करके कि हमें क्या बनना है, फिर कृष्ण बनना है ना। तो हाँ, और एक विष है जो बाबा कहते हैं सांप को नहीं देखो, मणि को देखो। सांप को देखेंगे माना शरीर को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सांप डस लेगा, माना विकारों का विष आ जाएगा। तो अभी हम देखेंगे कि इसका संहार कैसे करें ना, जो पूतना है हमारे अंदर जो राक्षसी है तो उसका संहार कैसे करेंगे। तो हमें क्या बनना पड़ेगा, कृष्ण बनना पड़ेगा, कृष्ण माना ब्रह्मा बाप समान बनना पड़ेगा। तो ब्रह्मा बाप ने क्या क्या किया तो वो तो हम सब जानते ही है, लेकिन इस घटना के अनुसार हम देखेंगे तो आध्यात्मिक रहस्य के हिसाब से जो कृष्ण ने क्या किया, पहले तो क्या किया ना, परखा उसको हाँ, पहले तो मारने के लिए आए, कृष्ण को क्यों मारने के लिए आए। आजकल हम अगर कोई नए नए बच्चे ज्ञान में आते हैं तो क्या करता है, सबसे पहले उनको खींचते हैं, कोई दारू पीने लगता है, कोई खराब काम करता है तो उसको इतना नहीं करेंगे आपस, लेकिन अरे वो ओम शांति में मत जाओ, फिर आपका बाहर का खाना बंद हो जाएगा ना आपको। हमें हम इतना गहराई से नहीं सोचते हर दिन, और वो बाहर वाले कहते हैं अरे वहाँ पे भाई बहन बना देंगे तो हमको बड़ा अच्छा लगता है, अरे बहुत अच्छा ज्ञान को इन्होंने समझा है। वो तो खैर गलत तरीके से देखते हैं, लेकिन उसमें भी हमें आनंद आता है कि कितना क्लैरिटी है इनके अंदर। तो बोलते तो फिर अपोज करना शुरू कर देते हैं आजू बाजू वाले कि नहीं यहाँ पे मत जाओ, आपके ऊपर जादू हो जाएगा। तो वैसे ये कंस ने भी पूतना को क्यों भेजा कि ये बुराई का नाश करने आया है मेरे अंदर का ना। घर वाले भी अपोज क्यों करते, अरे इनका सब खाना छूट जाएगा तो हम भी नहीं खा सकेंगे ना। या पति पत्नी है फिर ये विष पिलाना बंद कर देंगे तो एक दूसरे को, जैसे खुद की बुराइयां भी नहीं छोड़ना चाहते तो दूसरों को भी छुड़ाना नहीं चाहते। तो ये कंस उसका प्रतीक है कि वो खुद भी नहीं सुधारना चाहता था और दूसरों को भी नहीं, इसलिए वो कृष्ण का ही नाश कर दो, फिर ये भगवान की तरफ जाने के रास्ते लोगों के बंद कर देते हैं दुनिया में। तो फिर ये जो कृष्ण था वो तो माना बहुत एक नंबर की सोल कहो, जो हमारे ब्राह्मणों का ही प्रतीक है, ब्रह्मा बाप का प्रतीक है। तो उसने पहले तो आंखें बंद करके परखा कि ये आई है माँ का रूप बन करके, कितनी सुंदर। लेकिन फिर उसको देखा त्रिकालदर्शी बन करके, उसके पिछले जन्मों को देखा कि इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों मेरे पास आई है। तो हमें भी हर चीज को क्या करना है, परखने की शक्ति ना, कोई परिस्थिति है व्यक्ति है तो हमें परख करके स्वयं को क्या करना है, सेफ करना है, ज्ञान योग से हमें भरपूर रहना है। फिर दूसरी जो शक्ति है, फिर क्या किया उसने, सहन किया ना, जो विष होता है उसको क्या करना पड़ता है, पचाना होता है ना। जैसे हम ज्ञान में आते हैं ना, या कोई कुमार कुमारी सेंटर पे आते हैं, मधुबन में आते हैं, या फिर हम परिवार में रहते हैं गृहस्थ में, तो क्या होता है लोग कुछ ना कुछ हमें अपोज करते हैं, कटु शब्द बोलते हैं, निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, तो वो विष का प्याला भी हमें पीना पड़ता है, जहर का प्याला भी हमें सहन करना पड़ता है उस समय ना। इसलिए 16 तारीख का जो अव्यक्त इशारा था उसमें बहुत सुंदर बाबा ने बताया है कि आपको बचत की माना जमा का खाता बढ़ाओ और बचत की स्कीम करो, तो उसमें अगर सहन करेंगे तो आपका समय भी बचेगा, शक्ति भी बचेगी। क्योंकि सहन न करना माना विस्तार करना,
और सहन करना मना सार में आना। जैसे हम कहते हैं, जैसे उदाहरण दिया कि वो जो लड़की है ससुराल में कुछ थोड़ा सा बहुत होता है तो विस्तार करके सुनाती है, उसको सहन नहीं किया, उसको क्या किया, उसका विस्तार किया, मुझे क्यों ऐसा कहा, मेरी फ्रेंड की सास ससुर तो अच्छे है, इसके साथ तो अच्छा हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। फिर वो उसका विस्तार करते तो फिर क्या हो जाता है, शक्ति वेस्ट जाती है, फिर सहन नहीं कर पाते। तो सहन न करने के कारण फिर क्या होता है, समय भी वेस्ट होता है। और बाबा कहते शॉर्टकट का रास्ता क्या होता है, समय बचता है, शक्ति भी बचती है, इस मार्ग से भी पहुंच जाते हैं, लेकिन क्या होता है, न सहन करने के मार्ग से भी पहुंचते हैं मंजिल पर, लेकिन शक्ति वेस्ट होती है और उतना समय जाता है। इसलिए सहन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, विस्तार को सार में समाना पड़ेगा। कि जैसे ज्ञान युक्त हमें बुद्धि रखनी पड़ेगी कि ठीक है मेरा भी कुछ कार्मिक अकाउंट है। बाबा कहते हैं ना, हाँ पति ने मारा, कोई माता है कहती तो बाबा कहते तुमने भी मारा है तो एक सेकंड में बुद्धि क्या हो जाती है, फिर स्टॉप हो जाते, संकल्प वही स्टॉप हो जाती कि नहीं मैंने भी कुछ करके आई हूँ इसलिए मुझे भुगतना पड़ रहा है। हाँ सास भी कभी बहू थी तो एक ऐसी सीरियल बहुत पॉपुलर हुई थी कुछ साल पहले, तो माना ये तो राइट ही है कि पिछले कर्मों की गति है। तो ज्ञान युक्त बुद्धि हो तो फिर फुल स्टॉप लगाना, विस्तार को समाना बहुत सहज हो जाता है। तो ये सहन शक्ति की बहुत कमी आजकल हमें दुनिया में दिखाई पड़ती है। तो ब्राह्मण बच्चों को भी सहन करना है और हलचल में नहीं आना है ना। जैसे कहते हैं कि जो फुल मटका होता है वो हिलता नहीं है ना, अध जल गगरी झरकत जाए, जो आधी गगरी वो झलकती है। तो अगर हम बहुत जोश में आते हैं ना, बहुत सामना करने की कोशिश करते तो फिर समझो हमारे में ज्ञान की वो पराकाष्ठा नहीं है, हम कृष्ण के जैसे संपूर्ण उन गुणों में नहीं बने हैं। फिर तीसरा गुण जो आता है, तीसरी शक्ति यहाँ पे हमें देखने में आती, समाने की शक्ति ना। कृष्ण ने वो जहर को सिर्फ लिया ही नहीं बल्कि उसको पचा भी लिया, माना उसको उसका असर उसके ऊपर नहीं हुआ, खत्म हुआ। तो एक है ग्रहण करना और एक है पचाना। तो हम बातों को सहन तो कर लेते बाबा कहते, लेकिन समा नहीं सकते ना। उस समय हम सहन कर लेते लेकिन फिर बाद में कोई मिलता है तो उसका वर्णन चालू हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सागर के समान विशाल बुद्धि हमें बनाना पड़ेगा ना, दूरांदेशी बनना पड़ेगा, त्रिकालदर्शी बनना पड़ेगा। जैसे सागर क्या करता है, पूरा कचरा समा लेता है। क्यों समाता है, उसकी और एक विशेषता है कि उसके अंदर, उसके पेट के अंदर क्या होता है, सागर के पेट में ज्ञान रत्न माना रत्न होते हैं, माणिक मोती होते हैं। तो हमारे अंदर भी अगर ज्ञान के उस रत्न है तभी हम समा सकेंगे, तभी हम सागर बन करके उन बातों को समा सकेंगे। तो ये फिर चौथी शक्ति आती है, सामना करने की शक्ति ना। जैसे वो ऐसे राक्षस बन के आए लेकिन इस छोटे से उम्र में भी कृष्ण ने क्या किया, उसका सामना किया ना। पहाड़ जैसी अगर कोई समस्या, बाद में वो क्या हो गई, बहुत बड़ी हो गई, अकरार विकरार रूप, फिर भी क्या रहे, अचल अडोल रहे और अपना काम करते रहे। तो बाबा कहते कोई कैसी भी परिस्थिति आए, आप ड्रामा के पटरी पर आपके मन की स्थिति को स्थिर रखो, अचल अडोल रहो और निर्भय होकर के उस स्थिति का सामना करो। तो ऐसी बहुत सारी छोटी बड़ी समस्याएं हमारे जीवन में, परिस्थितियां आती है तो उन्हें सामना करने, और निर्भयता का गुण भी यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि निर्भय होकर के उस राक्षसी का उन्होंने मुकाबला किया और उसको खत्म किया। तो ये पूतना की कहानी है। तो उसमें फिर हमें क्या इन्फरेंस क्या निकलता है कि हमें क्या बनना है और क्या करना है, कथाएं हमें क्या सिखाती है कि हमें पूतना नहीं बनना है और ब्रह्मा बाप समान सर्व गुणों को, सर्व शक्तियों को अपने अंदर समा करके अपने भी अंदर के राक्षसों को खत्म करना है और हमारे संबंध संपर्क में जो भी आती है आत्माएं तो उनको भी निर्विकारी बनाने में, उनको भी उमंग उत्साह दिला करके आगे बढ़ाना है। हाँ असुरी इच्छाएं नहीं पालनी, अशुभ इच्छाएं, हाँ शुभ भावनाएं हमें देनी है और जगत माता बन करके पूरे वृक्ष के हमें अमृत दे करके पालना करनी है सकाश। हाँ वो भी है सचमुच, क्योंकि अभी ये समय चल रहा है, ब्राह्मणों के संकल्प बहुत हमें होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत छोटी छोटी बातों में वो अनुभव भी आते रहते हैं, इसलिए हमें बहुत सोच समझ कर सोचना है। क्योंकि बहुत ज्यादा जन्मते ही बाबा हमारे संकल्पों में पावर भर देते हैं और उसके कारण वो सारी बातें होने लगती है वैसे ही। तो ये था आज का टॉपिक और ये जो रिसेप्शन है बहुत
हमारे भी दिल के करीब है। बहुत अच्छा लगता है, कई सालों से आप भाई लोगों ने ये सुंदर शुरू किया और इसके कारण बहुत सारा विचार सागर मंथन चलता है। कईयों का भी जो हमने दो दिन में किया तो इतना अच्छा लगा कि सचमुच कोई ऐसा टॉपिक लेकर के हम करते हैं तो व्यर्थ के लिए समय ही नहीं बचता है ना, व्यर्थ संकल्पों के लिए, क्योंकि उसके ऊपर चिंतन और तभी ध्यान में आता है कि भगवान ने कितनी अच्छी बुद्धि हमें दे करके रखी है तो, और ज्ञान भी भरा है, ज्ञान युक्त बुद्धि है, तो उससे हम हमारा चिंतन चलता है। तो इसलिए ये इस बहुत आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया है, दिल से शुक्रिया, यहाँ पे हमें चांस दिया। और आप सबको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ऐसा ही आपका ग्रुप नए नए कुछ इन्वेंशंस करते रहे। और रेडी हम भी है अभी हम तो मोबाइल से सुनते हैं, ग्रुप में जो आते हैं तो बहुत उत्कंठा होती है, आज क्या होगा आज क्या होगा, तो उससे बहुत मना दिन भर में भी ये जैसे भी समय मिलता है तो सुनते हैं तो बहुत सुंदर चिंतन चलता है हर एक का। लेकिन जब जैसे दूसरे का चिंतन तो हमें बहुत रेडीमेड मिल जाता है, उसमें इतना मजा नहीं आता, लेकिन जब खुद चिंतन करते हैं ना तो अपनी घोट तो नशा चढ़े बाबा कहते, या खुद मंथन करके फिर वो जो आता है मक्खन वो बहुत टेस्टी होता है ना, कोई रेडीमेड बाजार का बटर लेके आए तो इतना टेस्टी नहीं होता है हाँ, लेकिन वो जो घर पे निकालते तो बहुत तो माना हेल्दी भी होता है, तो इसलिए खुद हम करते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं ना, रोज के मुरली का क्या करो, विचार सागर मंथन। तो आप बीमार नहीं हो तो आपको हेल्दी बनना है तो क्या करना है, जर्निंग करना है रेगुलर। तो इससे भी हम अभी सीखेंगे और आगे से आगे और भी इसका आदत डाल लेंगे कि रोज के मुरली से एक पॉइंट लेकर के उसके ऊपर कुछ चिंतन करके दूसरों को भी सुनाएंगे और अपने आप को भी संपन्न करेंगे। अच्छा, ओम शांति। सूर्य घर घर होदय, आध्यात्मिक सूर्य घर घर होदय, साधना से ध्वस्त हो जाए, साधना से ध्वस्त हो जाए। साधना से ध्वस्त हो जाए अने।